गत दिनों जिलाधिवक्ता संघ द्वारा एडवोकेट टास्क फोर्स के पदाधिकारियों पर की गई कार्यवाही को स्टेट बार काउंसिल ने निरस्त करते हुए अधिवक्ता संघ पर 3-3 रुपए का जुर्माना किया है। इस बात की जानकारी एटीएफ अध्यक्ष शिव सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। विगत दिनों जिलाधिवक्ता संघ द्वारा एडवोकेट टास्क फोर्स के पदाधिकारी एडवोकेट शिव सिंह, श्री प्रकाश तोमर और रितेश गुप्ता पर की गई कार्यवाही को स्टेट बार काउंसिल ने गलत ठहराया है और जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे समेत अन्य पर 3-3 रुपए का जुर्माना ठोका है। इस बात का खुलासा न्यायालय परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान करते हुए एटीएफ अध्यक्ष शिव सिंह ने पत्रकारों से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। हम लोग विगत 5 वर्षों से जिला न्यायालय भवन को लड़ने के लिए लड़ाई हमारी चल रही थी, जो हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने हम लोगों के खिलाफ 4 अगस्त 2017 को बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी कि अब ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएंगे और वो मामला उन्होंने स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया। स्टेट बार काउंसिल में हम लोगों ने जवाब दिया और हम लोगों ने अलग से एक अपील भी फाइल किया। दोनों मामलों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी को नोटिस जारी हुआ कि आप अपना पक्ष रखें, जवाब दें, लेकिन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे किसी भी कार्यवाही में कोई भी ना पक्ष रखे और ना जवाब दिए, ना माननीय बार काउंसिल में उपस्थित हुए। माननीय बार काउंसिल ने हमारे अपील का भी निराकरण किया।